अपनी बात मेरे हम असर और मेरे जो यंग लायन हैं तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की ये पुरवकार तकरीब इस रिवायत और इस जो डिस्ट्रिक्ट बार की हमारी बखर की रिवायत है कि हम हर आने वाले जुडिशल ऑफिसर जज साहबान को वेलकम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट बखर की ये खूबसूरत रिवायत है, इसी सिलसिला में आज ये तकरीब मुनक्किद की जा रही है। तो मैं जनाब नए सीनियर सिविल जज साहब फैमिली डिवीजन और जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को पूरी अपनी डिस्ट्रिक्ट बार तहसील बार के भी क्योंकि मेरे दोस्त तमाम प्रेसिडेंट साहबान और जनरल सेक्रेटरी साहबान मौजूद हैं और तमाम मेम्बरान की तरफ से सीनियर्स की तरफ से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम डिस्ट्रिक्ट बार के मेम्बरान और कलूरपुर मनकेरा और दरिया खान से हमारी इनविटेशन पे उनके सदूस और सेक्रेटरी साहबान के तशरीफ़ लाए हैं, उन सबको हम सलाम भी कहता हूँ और उनको खुश आमदीद कहता हूँ पूरी बखर बार की तरफ से। जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी और मेंबर मजाब बार काउंसिल ने भी गुजारिशात की कि आज की जो हमारी ये महफिल है, ये जो हमने मजलिस सजाई है, ये जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल चंद्र साहब उनकी आनर में उनको वेलकम करने के लिए और एक हमारे जज साहब फैमिली डिवीज़न के जो हमारे जज साहब आए हैं सर नबी कामरान नगरियाल साहब, उनको वेलकम करने के लिए आज हमने ये महफिल उनके आनर में सजाई। जहाँ तक बार का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बखर बार पंजाब की बेहतरीन बारों में से है। हमारे वकला साहबान दोनों साइड पे, सिविल क्रिमिनल इवन रेवेन्यू साइड पे इंतहाई कॉम्पिटेंट तहमल मिजाज बेहतरीन एटीट्यूड वाले कोर्ट के डेकोरम का ख्याल करने वाले और बेहतर अंदाज में अदालतों को असिस्ट करने वाले हमारे वकला साहबान हैं, वो जूनियर भी हैं और सीनियर भी हैं। तमाम के बारे में ये राय सिर्फ मेरी राय नहीं है, जितने भी जज साहबान बखर तशरीफ लाए और जब भी वो यहाँ से गए वो हमारी मोहब्बतों के साथ साथ इस राय को अपने दिल में लेकर गए कि बखर बार पंजाब की एक बेहतरीन बार और ये हमारी रवायत है कि जो जज साहबान बखर तशरीफ लाते हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम होते हैं, हम उनको अपनी सरवायत के मुताबिक हमेशा वेलकम करते हैं। उनके लिए किसी तकरीब का ऐसी तकरीब का एहतमाम करते हैं और हमारे जो जज साहब जाते हैं उनके लिए भी ऐसा करते हैं। सरकार की तरफ से मशकूर हूँ कि आपने हमें इतनी खुश दिली से इतना अच्छा वेलकम दिया, ये हमें हमेशा याद रहेगा, हम इसके लिए मशकूर हैं। बार वैसे भी चूँकि मैं पिछले तीन हफ्ते से काम कर रहा हूँ, मुझे उनकी कॉम्पिटेंस पे तो वैसे कोई शक नहीं रहा। अगर हम 8 बजे बैठते हैं तो वो 7:45 बजे वहाँ मौजूद होते हैं, चाहे क्रिमिनल साइड वाले हों चाहे सिविल साइड वाले हों, बड़ी कॉम्पिटेंट है। और जो कुछ हमने आने से पहले मुख्तलिफ जजेस से बार के बारे में सुना था, हम मैंने तो उससे कुछ बढ़ के पाया, बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े डिसाइल बड़े हम्बल तरीके से जो भी होती है अपने आर्गूमेंट करते हैं और आर्गूमेंट करने के बाद फ़ौरन बाहर चले जाते हैं। कोई ऐसा वकील नहीं जिसने पीछे से कभी पता भी किया कि मेरा फैसला क्या हुआ है, उसकी डेट कौन सी हुई है। हम इसके आपके इसलिए मशहूर हैं, मेरे तमाम रुफ़ाकार जो हैं वो भी इसके लिए ऐसी ही मुझे एक फ़िज़ा और एक हवा देते हैं कि जी बहुत अच्छी बार है, बहुत अच्छे। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि 3-4 मुलाकातें हुई हैं, वो बार बेंच जो है ये एक ओल्ड स्लोगन है कि जी हम एक ही चैरिट के दो व्हील्स हैं, चलते हैं, ये चलना है। हमारे जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो हमारा क्लाइंट है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, उसके लिए सारे हम सपोर्टिंग व्हील्स हैं, उसके लिए हम काम करते हैं अल्टीमेटली कि उसको रिलीफ मिल जाए। जो भी बाकी प्रेसिडेंट साहब ने कहा, बहुत सारी चीज़ें तो हमने इनकी वहीं कर दी, लेकिन एक चीज़ हमने सीक्रेट रखी हुई है, वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं आता,
तो हमने डॉक्टर का थ्राइस अ डे एवरी अल्टरनेटिव डे पे आपकी डिस्पेंसरी में उसके ऑर्डर हमारे पास है, वो हम आपको दे के जाएंगे। और वो डॉक्टर का भी कर दिया है, इसके अलावा भी जो इंशाल्लाह होंगे वो सारे काम हम बार और बेंच मिलके करेंगे। हम वो तमाम काम करेंगे जो मेरिट के होंगे, जो लीगली हमें चीज़ें इजाज़त देंगी। हमने जो डिसीजन करने हैं, वी आर टू गो बाय दी बुक। बुक हमें क्या कहती है, बुक हमें क्या बताती है, उसके मुताबिक आपकी हमें असिस्टेंस आएगी। जितनी असिस्टेंस अच्छी आएगी उतनी जजमेंट अच्छी लिखी जाएगी। मैंने तो अगले दिन प्रेसिडेंट साहब को और जोइए साहब को ये बताया कि आज तमाम जो जजेस हैं वो बाहर से आ रहे हैं। बाहर जितनी कॉम्पिटेंट होगी उतना कॉम्पिटेंट जज जाएगा, उतना कॉम्पिटेंट सिविल जज आएगा, उतना कॉम्पिटेंट एडिशनल आएगा और उतना सेशन जज कॉम्पिटेंट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों की असिस्टेंस वो बहुत ज़रूरी है। वो बार टाइम और मेहनत के साथ, लीगल बैकिंग के साथ जितनी अच्छी आएगी वो उतनी अच्छी हमें लोगों को इंसाफ देना जो है उसमें मदद मिलेगी। मैं तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे जो आपके वकला साहबान दरिया खान से, कलूर कोट से और मनकेरा से तशरीफ़ लाए, उनके भी जो आपके सबका सदूर हैं, जो सीनियर लायर्स हैं, जो अभी तशरीफ़ रखते हैं इस गर्मी के मौसम में, उनका मैं ख़ास तौर पर मशकूर हूँ। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी तरफ से हमें असिस्टेंस मिलेगी और इंशाल्लाह हम लोगों को बर वक्त इंसाफ देंगे। कोई कमी कुताई होगी उसके लिए हम आपको वेलकम करते हैं। तमाम वकला जो हैं वो हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे प्रेसिडेंट हैं या मेंबर बार कौंसिल हैं। तमाम लोगों के तमाम मसाइल ऐसे ही हल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।